वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ लवर योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, होने वाले हस्बैंड, वो किस किस्म के लवर होंगे, व्हाट टाइप ऑफ लवर दे वुड बी। ओके, सो आपको आपका पाल चूज करना है, पाल नंबर वन एंड पाल नंबर टू। यह है आपकी बर्थ डेट्स। ओके, तो लोग जो टेबली ग्रुप यूज़ करते हैं, आपके पास दो फैदर हैं, पाइल नंबर वन रेड फैदर एंड पाइल नंबर टू ब्लैक फैदर। ओके, चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो लव, हेलो पाइल नंबर वन, हेलो पाइल नंबर वन, लेट्स सी व्हाट ही हैज हियर फॉर दिस ग्रुप। व्हाट टाइप ऑफ लवर योर फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस इज गोइंग टू बी। फ्यूचर फेयर लवर्स, किंग ऑफ द रिवर्स। पाइल नंबर वन, आपके पर्सन की जो सबसे पहली चीज़ पूछी थी दिख रही है ना, दैट इज़ कि ये बंदा या बंदी जो भी है, दैट इज़ वेरी क्यूरियस, क्यूरोसिटी बड़ी है। मतलब आप कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते, आपके लुक्स में क्या क्या है, या आप कैसे इंसान हो, ठीक है, आप ये चीज़ इनमें नोटिस कर रही हैं कि दिस इज़ अ पर्सन के जो किसी बात की जो है ना डीप डिटेल्स में जाता है, और आपको ऐसे फील होगा एज इफ ये, मतलब उनमें उस डिटेल में जाने का मकसद उसका ये होता है कि वो जानना चाहता है, उसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं है कि या ना ये कि आपको जी ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लाइक पता नहीं क्यों इतना इंटरफेयर करता है, नहीं ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। दूसरे किंग ऑफ रिवर्स आए हैं, यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है, जो फीमेल है, आप आई डोंट नो आप मेल है फीमेल है जो भी, लेकिन जो फीमेल है इस कनेक्शन में, शी हैज़ अ डोमिनेंट हैंड ऑन मेल लव के लिए, फीलिंग्स के लिए। ओके, मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रही, रियली मेरा तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रही, एम टॉकिंग अबाउट लव फीलिंग एंड इमोशंस। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो मतलब ये जो है ना मेल, ये मेल फीमेल को अपने जिसे कहते हैं ना पल को भी बिठा के रखना, ठीक है, जिसको स्लैंग में कुछ लोग जोरू का गुलाम भी बोलते हैं, दैट इज़ द थिंग। लेकिन ये सिर्फ लव मैटर में। ओके, बाकी जो दूसरी लाइफ होती है उसमें कौन कमांड लेता है वो डिपेंड्स, हु वेयर्स द पैंट्स। लेकिन बात यह है कि ये बंदा आपके सामने, मेरा मतलब है यू आर इन बेडरूम, ये बंदा ज़्यादा बोल नहीं पाएगा आपके सामने, यू वुड बी द बॉस, ठीक है, बिकॉज के रिवर्स में आने का मतलब ये है कि उनकी बोलती बंद, जैसे ही आप सामने आए बोलती बंद। सो लेट्स सी, ये उनका प्यार है, अच्छा इनकी कमज़ोरी मत समझना, इनका प्यार है। अच्छा, लेट्स सी अ टाइप ऑफ लवर दे आर। हेट ऑफ वाटर, थ्री ऑफ अर्थ। गाइस, दिस इज अ कीपर, ऐसे इंसान है जो इसे बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं एफर्ट करते हैं रिलेशनशिप में, दैट इज योर पर्सन। और आपको एक और बात बताऊँ, ऐसा लवर है जो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है, ठीक है, तभी बी वेरी केयरफुल, या बी अ लिटल बिट, जो भी आपने जैसे भी होना, क्योंकि ये बंदा नाराज हो जाए करेगा, यू विल बी लाइक ओह माय गॉश ये फिर से नाराज हो गया, ठीक है। मोर एनर्जी, वेरी 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 इमोशंस, फुल ऑफ पैशन, कैंसर हो सकते हैं, पार्सिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं,
जो एयर साइंस है उनमें से लिब्रा हो सकते हैं, और जो फायर साइंस है उसमें से एरीज हो सकते हैं, और लियो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, तो ये बंदा ना एफर्ट पुट करने वाला है, मतलब ये रिलेशनशिप में अपना 110% डाल के रखता है। इट ऑफ वाटर में बंदा, मैं आपको वैसे बताया है कि ये पर्सन नाराज़गी किसकी है, एनर्जी। ठीक है, मतलब फिर फ़ोन नहीं उठाना और ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट लव, क्योंकि ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता। या अगर मतलब इसको अगर आपकी कोई बात बुरी लग गई, क्योंकि ये बंदा इतना एफर्ट पुट करता है रिलेशनशिप में, तो उसको बुरा लगेगा कि मैंने इतना कुछ करता हूँ और ये मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं करती। तो मेरे एंगल के मुताबिक तो उनका जायज़ है नाराज़ होना, अगर कुछ उल्टा सीधा आप करते हो, बट यू नो बेटर अपने पर्सन को। लेकिन हाँ, 505 गाइस, ये लड़ाई भी कर सकता है, ऐसा लवर है। जस्टिस, यस, उनको न्याय चाहिए है, उनको जस्टिस चाहिए है, उनको चाहिए कि भाई फैसला होगा, फैसला अभी होगा, और मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, नहीं तो मैं लड़ूंगा। मुझे बात पूरी बताओ, क्या बात है, आप कोई बात इसे छुपा नहीं सकते, इससे बच के कहीं नहीं जा सकते। ग्रुप नंबर वन, कहीं पे भी आप इसे बच के ना नहीं जा सकते। पहले नाराज़ होते हैं आई थिंक, और अगर आपने नहीं मनाया फॉर एग्जांपल, तो फिर लड़ने भी आ सकते हैं। तो मैं मनाया क्यों नहीं, ओह माय गॉड, ही सो स्वीट। एस अफेयर भी जमान जल्दी जाते हैं। ओके, टू अफेयर, थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इस किस्म का लवर है, नाराज़ हुआ है तो मान भी जाता है। और ओह माय गॉड गाइस, अजीब सी मिक्स्ड सी फीलिंग है, इसको उसका माइंड क्लियर करना इतना आसान नहीं है। बाप रे, आप तो फंस गए। गॉड, इसके दिमाग में कुछ चीज़ बैठ जाए तो बस फिर 5 of Earth रिवर्स। गाइस, अब इनको अगर सच्ची जानना है, अगर इनको कोई इस तरह है, तो फिर चाहे इनका पैसा भी लग जाए जितना मर्जी, ही लिटरली डोंट केयर, डजेंट केयर 3 अफेयर देखा, क्योंकि ये इंसान दिल पर बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। ठीक है, इसका दिल टूट जाता है, या आप क्या लो, ओवर सेंसिटिव है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ओवर सेंसिटिव है ये। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन द एंड हर्ट आप ही होते हो अगर अगला बंदा केयरलेस हो तो। बट योर पर्सन हैज दिस टाइप ऑफ एनर्जी, क्या किया जा सकता। टू वाटर रिवर्स, उसको बदले में कुछ चाहिए भी नहीं इसको ना। इसको ये है कि अगर मतलब ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अगर इसने आपको प्यार दिया है तो ये कहेगा जी शाह आप तो मेरे लिए ये करो। ठीक है, अगर तुम इसे रिलेशनशिप में हो तो तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ ये करो वो करो। ठीक है ना, यू नो व्हाट आई मीन, इज़ लाइक इन ओके, जैसे तुम चाहती होगा। लेकिन ये बंदा बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेवफाई तो जो है ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ग्रुप वन पे जो वाटर, अगैन वाटर साइन, अगैन इंट्यूशन, अगैन सेंसिटिविटी। ठीक है, इसकी साइकिक एबिलिटीज भी बहुत तेज़ है, उसकी 6th हिस होती है ना, 6th सेंस, वो भी बहुत तेज़ है, छुपा नहीं सकते आप। 6 of Water, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसको बात नहीं याद होगी, फलां डेट पे वो फलां बात हुई थी, तुमने ऐसी की थी, मैंने ऐसी की थी, हम पहली दफ़ा वहाँ मिले थे, तुमने वो कपड़े पहने हुए थे, मैंने ये पहना हुआ था, हाँ तुमने मुझे वो दिया, मैंने तुमको ये गिफ्ट दिया था, तुम्हें याद है, ये है वो है। मैंने ना, मुझे पता है अक्सर लोगों के इधर गुस्सा चढ़ा कभी, मेरे को इतना पोजेसिव नहीं चाहिए, ये है वो है, बट मुझे जो वाइब आती है ना, दैट इज़ ऑल थिंग। मुझे वाइब इनकी गलत नहीं आ रही, इट्स नॉट अ नेगेटिव पर्सन, ये सिर्फ आपको चाहता है, दे ओनली लव यू, इसलिए यूँ करते हैं। एम्परर,
देखा रियल लाइफ निकल आई इनकी, वो आप असल में बड़ा स्ट्रांग इंसान है, ये सिर्फ आपके लिए ही गिरता है कदमों में। मजिशियन, ऐसे मजिशियन एंड एम्परर, इतना स्ट्रांग वन, 440 नंबर है, 5 नंबर चेंज, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही बड़ा बड़ा कह लो, दिस पर्सन इज रियली मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल है ये, इसको मजाक मत समझना, आप हल्के में ना लेना। या सो देयर्स हाउ दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट आपके जो पर्सन है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ लव। ओके, डिसेप्शन रिवर्स, वेल यहाँ पे क्लियर कट साइन है गाइस के धोखा बर्दाश्त नहीं है इसको, ठीक है। अगर इनके साथ रिलेशनशिप में किसी ने मखोटा पहना हुआ है, किसी ने मास्क पहना हुआ है, कोई अपना सच, अपनी रियल सेल्फ रिवील नहीं कर रहा, तो डियर आपको बहुत ही उनकी एक फियर्स साइड, बहुत ही लाइक एंग्री साइड देखने को मिलेगी। ओके, और ये छोड़ कर जाना तो बात की बात है, पहले ये लड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अगैन यहीं पर रिवर्स है, ये इसको किसी की मदद भी नहीं चाहिए, ये अकेला ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता रिलेशनशिप में फ्रेंड्स की। अक्सर लोग होते हैं ना, कहते हैं कि तुम तो चलो ठीक है मेरे हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये फ़लाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फ़लाँ मेरा क्लास फेलो है, मैंने इससे भी दोस्ती रखनी है, तो इज़ लाइक दैट, ये नहीं बर्दाश्त करेगा। चाहे आपका बिल्कुल सही आपकी फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर वो इंसान ज़्यादा आपके क्लोज आ रहा है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अब पॉजिटिव थिंकिंग की यहाँ पे एनर्जी आई है, इट मींस कि पॉजिटिव थिंकिंग तो करता है ये पॉजिटिव थिंकर, ठीक है, नेगेटिव थिंकर ये नहीं है, लेकिन इसकी बर्दाश्त थोड़ी कम है, या आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। लेकिन ये है कि ये दिल का अच्छा है, मुंह का ये कड़वा हो सकता है कुछ केसेस में, अगर इनको कभी ऐसे फील हो ना कि कोई मुझे यूज़ कर रहा है या मेरा कोई मजाक बना रहा है, तो वो फिर ना ये पर्सन ना उसको फिर सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, इसको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि आप आ कर के उनसे मोहब्बत का इजहार करें, आप प्यार मोहब्बत में इनिशिएटिव लें, आप उनको बताएं कि आप उनसे कितनी प्यार करते हैं। अगर तो आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर्स, इसको खुशी होती है, ये चाहता है कि उसका पार्टनर आ कर के मुझे बताए, मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अगर आप छुप छुप रहते हो, शाशा रहते हो, तो ये इस चीज़ पर्सन की नहीं है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, देर आर नो रेड फ्लैग्स, ओके, रिवर्स में है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसकी एनर्जी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल टू प्रोटेक्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपको नहीं खो सकते, खोने से डरता है ये बंदा। रोमांटिक फीलिंग रिवर्स अगैन, I want some clarification for this oracle, please. Heart to heart conversation, honestly discuss feeling with you. Well, ये थोड़ा sigma material है man, ठीक है, sigma material है, very strong character. कोई लड़की, कोई भी लड़की खाली अदाएं दिखाकर इनका दिल नहीं जीत सकती, इसलिए मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी थी, ठीक है, क्योंकि इनको समझ आ जाती है कि ये अदाएं दिखा रही है, ये मुझे फंसाना चाहती है, इसका कोई और मोटिव है, ठीक है, क्योंकि ये बंदा जेन्युइन लड़की में इंटरेस्टेड है, जेन्युइन के जो जिसको वो वाइफ अप कर सकें, अपनी पत्नी बना सकें, जो उनके पीछे किसी वजह से नहीं है, पैसे के पीछे नहीं है या फैमिली के पीछे नहीं है, जो उनके साथ
ऑनेस्टली इन्वॉल्व है, वो सिर्फ उसको चाहता है ठीक है ना। तो ओपन माइंड भी यहाँ पे रिवर्स आया है, इस मामले में ये थोड़ा पोसेसिव है ठीक है, प्लेफुलनेस। लेकिन रियल लाइफ में मतलब नॉर्मल लाइफ में ये बंदा हंसी मजाक भी करता है। आपका जो यूथ है मतलब जो अर्ली एज है आपकी, जब आपकी शादी होगी, जब मतलब शादी के अर्ली एज, शादी के 2, 4, 5, 6, 7 साल, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांस में, लव में और एक ओपन कह लो ना एनवायरनमेंट में गुजरने वाले हैं। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि यह बंदा या बंदी आपको अपने साथ किसी दूसरी कंट्री में भी ले जाएं, बिकॉज़ मुझे यहाँ लोकेशन चेंज होती दिख रही है। यहाँ हो सकता है कि इसका घर आपके घर से बहुत 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 दूर है, वो कोई और किसी और ही प्रोविंस में या बिल्कुल ही अलग कोई सेपरेट करके है सोलमेट। ओ माय गॉश, दिस इज़ योर सोलमेट। ओके सो अगर आपको किसी के बारे में पूछना था कि यह मेरे सोलमेट हैं या नहीं, तो दिस इज़ एन आंसर एंड मेक द एफर्ट। मैंने बोला ना कि बंदा जिसे कहते हैं ना फुल जोर अपना सोल हार्ट सबका नचोड़ के अगर आपसे कोई प्यार करता है ना, या अपनी एफर्ट लगाई है उसने इस रिलेशनशिप में, दैट इज़ दिस पर्सन। दिस पर्सन बहुत ज़्यादा ये ना कह लो इन्वॉल्व होगा आप में, बहुत कोशिश करेगा कि रिलेशनशिप चलता रहे हमेशा चलता रहे ठीक है। मतलब डिवोर्स का तो इनकी तरफ से तो कोई सीन है ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का संबंध है ही नहीं ठीक है। मतलब अगर बेवफाई नहीं आई, हाँ एक कमज़ोरी है इनकी, शेडो साइड कर लो, बुरी आदत कर लो, आपका बुरा लगती है, उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन वो बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बंदा बेवफाई बर्दाश्त नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। तो उनके तो सिलाव मैसेज थे, बहुत ज़्यादा ही कोई सीरियस है या कोई आप में, आई डोंट नो, मे बी यू नो बेटर, लेकिन है ये छुपा रुस्तम पहलवान, मे बी आपको इतना नहीं पता इनके बारे में, इनकी इस साइड का ना इस वाली। खैर बी माइंड प्लीज़, यू लुक डैम अट्रैक्टिव इन रेड, रेड कलर आप पे इनको बड़ा अच्छा लगता है। एंड मैं सच में अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजारना चाहता हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे तुम मिली। आपके टच, आपकी जो चीक्स हैं उनसे बंदा ऑब्सेस्ड होगा। सो कहते हैं कैन आई टच योर चीक्स, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। Let's see, I pretend to be strong. मैं ऐसे मैं pretend करता हूँ कि मैं बड़ा strong हूँ, लेकिन असल में मैं नहीं हूँ। अंदर से बंदा काफ़ी कमज़ोर है, मुझे पता है, मुझे लग रही है, फीलिंग आ रही है, टूट जाता है बहुत जल्दी। तुम ग्रेट हो, still couldn't forget our last meeting. अभी तक मैं नहीं भूल पाया हमारी जो आखिरी जो थी मीटिंग मुलाकात। बिलीव मी स्वीट हार्ट, मेरा विश्वास करो स्वीट हार्ट कि यू आर दी ओनली वन इन माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। आई विल फाइंड यू सूनर और लेटर, कह रहे हैं आज नहीं तो कल तुमको तो मैं पा के रहूँगा, तुम्हें मैं ढूंढ के रहूँगा। ओके राइट, ये चैनल सॉन्ग है, तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। क्या तुम हमेशा मेरा हाथ थाम सकोगी? तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ, ट्रैवल लवर तो है ये फॉर श्योर। Let's travel together again, travel.
वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा. दिस इज़ अगैन अ चैनल सॉन्ग फ्रॉम देम. मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है. ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन. सिर्फ तुम हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिस पर मैं जो है वो ट्रस्ट कर सकता हूँ. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. Hello, pile number two. Today we are going to see the type of lover your future husband is going to be. Nine of Earth and King of Fire. Also, you're getting Ace of Water. पहले जो मुझे एनर्जी सबसे पहले तो दिख रही है पाइल नंबर वन टू, कि आपके पर्सन एक थोड़ी से कलरफुल माइंड सेट के हैं, होंगे या हैं या होंगे, बराबर. आप इनको जानते हैं नहीं जानते हैं मैटर्स. कलरफुल माइंड सेट मतलब इनको, क्योंकि यहाँ पे एक फायर वाटर साइन है, एक फायर है, एक अर्थ साइन है, इनको प्यार तो चाहिए है. इनको घर पूरा मतलब पूरी एक फैमिली बनी बंधी हुई हो, इस तरह का है ये पर्सन. लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही बहुत ही ट्रेडिशनल सी बहू या पत्नी वो तो है, लेकिन कमरे में रूम में आपकी एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड उनको चाहिए, ऐसा वो इमेजिन करते हैं, ऐसा वो फैंटेसाइज करते हैं. ओके, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसे अभी कैसे होगा या ये कैसा है, ये मेरे पे ये इम्पोज कर रहा है, कैसी बनो. मैं आपकी उनकी एनर्जी कैप्चर करके आपको बता रही हूँ वो कैसा सोचते हैं. सोचते तो हर कोई है ना, आपने भी बड़ा कुछ सोचा होगा अपने पति के बारे में, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेगा वो करेगा. सो ये आपके मतलब कमरे में आपको मॉडर्न होना है, आपको बोल्ड होना है, आपको करिज्मेटिक होना है, क्योंकि ये पर्सन हैविंग हाई 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 एनर्जीज, वेरी हाई एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा ये लविंग है, रोमांटिक है, और ही इज़ जस्ट लाइक अ लीडर टाइप. ऑल्सो नाइन ऑफ अर्थ मतलब इनका प्यार यही है कि कमरा सजा हुआ हो. ऑब्वियसली पैसा ही खुद लगाएंगे. ओके, डोंट वरी कि अब कमरा सजाने के लिए भी मैं, कमरा पूरा सजा होना चाहिए, लाइट्स डिम होनी चाहिए, बहुत सारा उनको मतलब माहौल फुल ऑन होना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन. ओके, कैंडल्स होनी चाहिए या एलईडी कैंडल्स हो, एलईडी लाइट्स हो, मतलब पूरी ये बंदा का ना किंग ऑफ फायर के साथ नाइन ऑफ अर्थ जो आया ना, फुल ऑन आयाशी मूड ऑन है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ लवर दिस पर्सन इज. और उसमें जो उनकी पत्नी है उस कमरे में, उसको भी अच्छा लगना चाहिए. यहाँ पर मैं लुक्स की बात नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पर आपकी तैयारी की बात हो रही है कि आप कितना तैयार हुए हो. ठीक है, अगर आप मेकअप करते हो, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, ओवर डू हल्का सा हो गया, तो ये पर्सन माइंड नहीं करेंगे. अक्सर लोग होते हैं ना, कहते नहीं भाई मुझे तो सिंपल चाहिए, कुछ ना लगाओ, ये नहीं वो नहीं. नो, दिस पर्सन लव्स मेकअप ऑन यू. आपने लिपस्टिक लगाई हो, डार्कर द बेटर. नाइट टाइम चलता है, ठीक है ना, डार्कर द बेटर. आपके नेल्स पेंट हो, आपने कलर चेंज किया है, ही विल लुक एट इट. वो देखेंगे कि अच्छा रंग है कि नहीं है, जो भी है आपकी जो भी आपकी नाइट गाउन है, ब्राइटर द कलर द बेटर. ठीक है, मतलब आपने अगर शॉकिंग पिंक पहना है ना,
तो वो उसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपने बेबी पिंक पहना है या वाइट पहना है। ठीक है, सो ऐसा है ये, लेट्स सी मोर क्या निकल के आता है। पावर नंबर टू, थ्री ऑफ अर्थ, अगैन अगैन टू मच वर्क, थोड़ा परफेक्शनिस्ट है ये, ज़्यादा थोड़ा ना वर्गो वर्गो टच जा रहा है थोड़ा सा इसका पर्सनैलिटी है। वर्गो, आपने कोई वर्गो है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वर्गो इज़ रियली परफेक्शनिस्ट, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और ना वर्गो की ना बेस्ट क्वालिटी क्या है, वर्गो ना ये नहीं कहते कभी अगर परफेक्शनिस्ट हमें चीज़ चाहिए, परफेक्शन चाहिए तो तुम करो, नो, वो खुद भी ऐसे होते हैं, खुद भी वर्गोज़ अपने ऊपर बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्श होते हैं कि भी इसको करना है, करी जाना करी जाना, जब तक चीज़ जो है ना बिल्कुल सही हालत में नहीं हो जाती वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। सो या फोर ऑफ एयर, रिलैक्स्ड माइंडसेट एंड क्वीन ऑफ एयर, इट वॉज कमिंग अप रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स ही मैच होगा बिकॉज ये पर्सन लव के मामले में स्लो है, स्लो नहीं मतलब मैं स्लो कैसे समझाऊँ आपको, दे वॉन्ट सॉफ्ट थिंग्स लाइक बेड पे प्लशीज हैं अगर पड़ी हुई, बहुत सारे पिलोज होंगे, प्लशीज आप कहेंगे बच्चा है क्या, बट ई लव्स, या प्लशीज नहीं यू कैन से कुशंस बहुत सारे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल होना चाहिए उनका, सिल्क होना चाहिए, सैटिन होना चाहिए, कॉटन नहीं होनी चाहिए। टू मच रिलैक्स्ड माइंडसेट, टू मच इनटू लग्जरीज, यस आई गॉट अ राइट वर्ड, लग्जरीज, ठीक है ना। टू ऑफ अर्थ, ये बंदा खुद इन्वॉल्व रहेगा इस सब चीज़ में, आप टेंशन ना लेना, ये सारी इसकी डेकोरेशन इंटीरियर अपना खुद का किया धरा होगा। सिक्स ऑफ फायर, सिक्स ऑफ फायर एंड मैजिशियन इज कमिंग रिवर्स, ये बंदा काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, और अगर तो वर्ग हुए तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होंगे, कि मुझे वैसे भी अर्थ साइन बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज अर्थ साइन इज़ ऑल अबाउट टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो, और वेरी प्रैक्टिकल्स, वेरी डाउन टू अर्थ, लेकिन मनी के साथ इनकी बहुत मोहब्बत होती है। सच्ची बोल रही हूँ, दे लव मनी, मनी इज़ नॉट बैड थिंग, ओके, रॉन्ग यूज ऑफ मनी इज़ बैड थिंग, मनी तो ज़रूरत है आजकल की, सो दे लव टू अर्न मनी, उनको पसंद है पैसा हो, मैं चीज़ें खरीदूँ, मैं घर डेकोरेट करूँ, आपको चीज़ें लेके दूँ, आपको ज्वेलरी लेके दूँ, जितना भी आप पे खर्चा है वही ऑब्वियसली करेंगे, और लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए हो, ठीक है, आप इसको मतलब ये नहीं क्या हैवी ज्वेलरी वो जिस तरह ड्रामा में दिखाते हैं पूरे पूरे वो सेट पहन के तो वो सो रही होती हैं, इस तरह वाला नहीं। बट कुछ तो होना चाहिए, तो इफ़ यू आर मिनिमलिस्ट, इफ़ यू आर लाइक के मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, मैं ये भी नहीं करती हूँ, मैं चूड़ियाँ भी नहीं पहन सकती हूँ, मेरे को गर्मी लगती है, ये बड़े मसले हैं, तो फिर योर मैन लाइक्स दिस, ओके, कर लेना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर दिल किया तो। एनीवेज आगे चलते हैं, एट ऑफ अर्थ, लाइफ एक्सपीरियंस रिवर्स, वेल पाल नंबर टू, आपके पर्सन काफ़ी हद तक मुझे यहाँ दिख रहा है कि मेहनती है, ये हार्ड वर्कर है, ठीक है, और इस पर्सन को ना इसकी लक बड़ी चली है ज़िंदगी में, क्योंकि इसके उसको ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस ने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स ने नहीं सिखाया, क्योंकि ये इसके लक बहुत चली है, मेहनती तो है लेकिन लक अगर ना चले तो फिर वो इंसान जो है ना गिव अप कर देता है, तो एक तो ये है इसकी, और
कोई ना फर। ओह माय गॉश, डिड यू सी दैट? मैं ऐसे आपके लिए परेशान हो रही थी कि पता नहीं आप ये कर पाओगे कि नहीं, उन पे पूरा उतर पाओगे कि नहीं, बट यू आर, आप खुद ही उनसे ज़्यादा एक हाथ आगे हो। अगर आपने गौर किया है तो बिल्कुल किंग ऑफ फायर के बिल्कुल ऊपर आपकी ये क्वीन आई है। आप उनसे ज़्यादा आगे हैं एम्प्रेस का साथ आना, विच इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पायल नंबर टू। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप उसको ऐसे हैंडल करोगे कि यू विल बी लाइक ओ माई गॉश, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। आपके पास पोटेंशियल बहुत है, आपके पास हुसन है, आपके पास सुंदरता है। ओके, सो डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट योर सुंदरता थिंग। अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं, लुक्स की बात नहीं कर रही। अट्रैक्शन और लुक्स में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, कहाँ थे हम? या एम्प्रेस एनर्जी, एक तो उनके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स एक्टिव होने वाले हैं आपको देख के, बिकॉज एम्प्रेस इज़ लाइक गिविंग, जस्ट लाइक गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड। आपको वो देखते ही ऐसे हैं, अपने बच्चों की होने वाली माँ, फ्यूचर मदर। ओके, और आई थिंक यू विल कंसीव अ बिट अर्लियर, डिपेंड्स ऑन कपल। ओके, डिपेंड्स ऑन कपल्स चॉइस, बट ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। वेल, यहाँ पर क्लियर कट ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन जो है, दिस वुड बी अ पर्सन जो आपके साथ बहुत ज़्यादा हद तक अटैच्ड होगा। इस हद तक के ये पर्सन को आपकी एडिक्शन भी हो सकती है। ओके, मतलब अगर आप नहीं हैं कमरे में, अगर आप घर पे नहीं हैं, तो ये पर्सन आपको जा कर के ढूँढेगा। ठीक है, और समटाइम्स पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़े से चिढ़ भी जाओ, क्योंकि तो यहाँ पे रिलेशनशिप इफेक्ट होता मुझे दिख रहा है। बट लेट्स सी मोर, पैशन, बहुत पैशनेट है होगा ये आपके लिए। स्पेशली हो सकता है आपके लिए सिंगिंग, कुछ गाना आपको कभी सुनाएंगे, क्योंकि दिस पर्सन कुड बी अ सिंगर। या भी नहीं भी तो स्टिल उसे सिंगिंग तो कोई भी कर सकता है, जैसे भी आती है उनको। डिसेप्शन, वेल डिसेप्शन की वाइब है। ये भी कुछ कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि मुझे धोखा दे रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस डिसेप्शन केमिस्ट्री, आप दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, पहली तो बात है। हो सकता है ना कोई आपके कान भरे, ससुराल में हो सकते कोई कान भरे, लेकिन आपको कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी इस चीज़ की 100% श्योरिटी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी जो केमिस्ट्री, आपका जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है ना, ये आपका काफ़ी रिलेशनशिप बचाएगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस इस, अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन रहेगा। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स हमेशा ही डिस्कस करते रहोगे। ये इंसान वो है जो आपको दिल से प्यार करता है। ओके, इसने आपकी आत्मा से, आपके रूह से, आपकी सोल से प्यार करा है। दिस इज पर्सन, इसी सोलमेट। देखो, अभी मैं सोल की बात कर रही थी एंड आपके लिए कार्ड निकला है। यस, दिस इज योर सोलमेट। ओके, सो दिस एनर्जी वॉज अबाउट योर सोलमेट। ऑल्सो दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप मिल चुके हैं इनसे, सो यस, वेडिंग। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपकी शादी बहुत करीब है, इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है, या फिर आपको घर में प्रपोजल भेजने का कह रहे हैं। यस, आई थिंक आपके मैरिज काफ़ी करीब है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो है।
ग्रुप नंबर टू, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके जो वॉर्ड्स के निकले थे ना, किंग एंड क्वींस, वो दोनों जो किंग एंड क्वीन है ना, दैट इज़ द किंग एंड क्वीन ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया के लिए भी अट्रैक्शन और एक दूसरे के लिए भी, फुल ऑफ अट्रैक्शन है ये। ठीक है, फ्री योर सेल्फ इस टाइम, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। पॉइंट नंबर टू, आपको अपनी ज़िंदगी पर ध्यान हमेशा देना है। यहाँ पर कुछ सेल्फ ग्रूमिंग की बातें मैं यहाँ करूँगी, आपने उनके लिए ग्रूम नहीं करना है अपने आप को, आपने खुद के लिए करना है, या आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है। ठीक है, आपने हमेशा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन, अपने हाइजीन का हमेशा ख्याल रखना है। जितना हो सकता है आपको तैयार, जो होना भी चाहिए आपको रहना है, ओके, नॉट फॉर हिम बट फॉर यू, आपको अपनी सोल को अच्छा लगेगा, ओके और आपके पर्सन को भी पसंद है ये, दैट इज़ एक्स्ट्रा हनीमून। दिस ही बहुत ही रोमांटिक है, बहुत इनको फिरने का शौक है, और लाइक दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज, वेल पॉसिबिलिटी है इनके घर के साथ, अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा ना हो, या शादी के बाद चेंज हो जाए, मे बी ये पर्सन कहीं और चला जाए, बिकॉज आई एम सीइंग ट्रैवल हियर, ये कोई और की कंट्री है, इटली, स्पेन, या मे बी इंग्लैंड, नॉर्वे, कुछ इस टाइप की कंट्री है, ग्रीस भी हो सकता है, हो सकता है आप लोग ना दूसरी कंट्री में चले जाओ शादी के बाद। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसे, आई एम सीइंग इन स्पिरिट कि आप कॉल कर रहे हो अपने घर, वीडियो कॉल, अपने ससुराल में भी, इवन उनसे कॉल पे बात कर रहे हो, सो आई कैन सी दैट। वेल, लेट्स सी देयर लव मैसेजेस फॉर यू। देखा, लेट्स एक्सप्लोर न्यू डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर, आओ हम दुनिया की बहुत सारी जो डिफरेंट जगह हैं वो घूमते हैं, उनको देखते हैं, और आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेवलर है मेरी तरह। एनीवेज, लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू, ने तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, अभी इसी वक्त तुमको मिलना चाहता हूँ, तुमको देखना चाहता हूँ, लव यू लाइक नो अदर, तुमसे मैं ऐसे प्यार करना चाहता हूँ कि कभी किसी ने वैसा जो है ना ना किया हो। वो आई विल कम टू मीट यू सून, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे, ओके, सो गेट रेडी। मेरी अकेली सी जिंदगी में तुम ही तुम हो, मेरे पास और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ, आई लव इन लव विद योर लेग्स एंड थाइस। एनीवेज, चिकन लवर लग रही है, आई थिंक नॉन वेज है, आई एम जस्ट किडिंग, राइट, सो यहाँ पे आपकी बात हो रही है चिकन की नहीं, ओके, ये बड़ा उड़ के मैसेज आया है, यू आर सो सो ब्यूटिफुल, वाह, आपकी तारीफ आई है उड़ती हुई, यू आर सो सो ब्यूटिफुल, कहना चाह रहा है आपको बहुत डेस्परेटली, इसलिए दिस मैसेज जस्ट जम्प्ड डाउन। व्हाट एल्स, तब कभी मुझे लगता है मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, ऐसा क्या मैंने जो है वो अच्छा काम किया था कि मुझे तुम जैसा पर्सन मिला है ज़िंदगी में। हमेशा तुम्हारे बारे में ख्वाब देखता हूँ, तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ, यू हैव गॉट अ किलर स्माइल, आपकी स्माइल बहुत हमको पसंद है, पसंद है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये कौन है चुपके चुपके, है ये कौन है चुपके चुपके लगा हुआ है, आई थिंक आपके पेरेंट्स को नहीं पता है अभी। यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल पर्सन, कह
तुम बहुत ही, तुम्हें बुद्धि है, तुम बहुत ही लाइक शक्तिशाली, लिटरली पावरफुल इंसान हो। डेस्परेटली मिस यू बैग, डेस्परेटली मिस यू। मैं जानता हूँ कि तुमने जिंदगी बहुत कुछ सहा है, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मेरा विश्वास रखना। चाहता हूँ कि अपनी सारी जिंदगी बाकी की तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स। याशी याशी, आई नो। आह, कह रही, तुम क्यों इतना शर्माती हो? बेबी यू आर ऑल माइन, तुम मेरी हो अब। शायद मे बी मैं थोड़ा सा बॉसी हूँ, बट आई कांट हेल्प स्टॉप लविंग यू। ओके, तुमको प्यार करना नहीं रुक सकता मैं। तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें क्वीन लाइक ट्रीटमेंट दिया जाए। तुम्हें मैं बेशक अपनी बिल्कुल राजकुमारी, या मैं कह लो मलका, जो भी कहना आपने, बनाकर रखूँगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। Until next time, take very good care of yourself. Bye bye.